सो गाइज, अगर आपके पास भी एक लैपटॉप है और एक कंप्यूटर है तो जैसे ही आप लोग अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, सबसे पहले लॉक स्क्रीन के ऊपर में एक प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन आता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना प्रोफाइल फोटो को वहाँ पे सेट नहीं कर पाते हैं। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि लॉक स्क्रीन के ऊपर में जो प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप लोग अपना फोटो को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। कंप्यूटर को ऑन करते ही आपके पास यहाँ पे एक ब्लैंक प्रोफाइल देखने को मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग फोटो को सेट कर लेते हैं तो इसका इंटरफेस काफी अच्छा लगता है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब विंडो को क्लिक कर लेंगे। विंडो को क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग अपना प्रोफाइल में चले जाएंगे। मेरा यहाँ प्रोफाइल है निमय कुमार, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज अकाउंट सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जाने के बाद मेरा इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलता होगा। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा ये ब्लैंक है, तो हम लोग नीचे में जाएंगे और ब्राउज़ फॉर वन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके डेस्कटॉप में, आपके लैपटॉप में जहां भी फोटो है उसको आप लोग यहां पे क्लिक कर लीजिए, आपका फोटो इस तरह से सेट हो जाएगा। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो डायरेक्ट आप लोग अपने कैमरे से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग यहां कैमरे पे क्लिक करते हैं और यहां पे फोटो क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है, और एडजस्ट करने के बाद आपको यहां पे डन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपका क्या होगा, आपका प्रोफाइल आपका यहां पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, अपने सिस्टम को ऑन कीजिएगा तो आपके पास ये प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफी अमेजिंग लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग भी, आपके पास अगर लैपटॉप है, आपके पास अगर कंप्यूटर है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना प्रोफाइल फोटो को लगा सकते हैं।